तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड, आज की व्लॉग में मैं कुछ पहेलियाँ पूछने वाली हूँ। तो फ्रेंड, ऐसे ही आप लोग व्लॉग में बने रहिए। और अभी मैं देखिए यहाँ पे हूँ और एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अभी सावन का महीना चल रहा है जिसकी वजह से पेड़ में नए नए पत्ते उग रहे हैं और इतना घना हो गया ये घर के आगे। हम देखिए कितने सारे बाँस का पेड़ है। और वो रहा हमारा छोटा सा मचान, उस पर सोनू रात को मतलब मेरा भाई सोता है रात को। अभी धूप निकली पड़ी है जिसकी वजह से सारे गाय बकरियाँ सब अंदर हैं। तो फ्रेंड, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, मैं आप लोग से कुछ पहेली पूछने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? उससे पहले मैं ना आप लोग से एक चीज़ पूछती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस फूल को आप लोग क्या कहते हैं? इस फूल का नाम क्या है? हमारे यहाँ शायद इसको कनेर कहते हैं, कनेर का फूल। वैसे कनेल देहाती भाषा में बोलते हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ क्यों इतनी गड़बड़ा रही है, वैसे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? तो फ्रेंड, मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आधा खाने पर भी वो पूरी रहती है? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आधा खाने पर भी पूरी रहती है? तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा, इसका क्वेश्चन में ही आंसर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके लिख दीजिएगा, ठीक है? और सेकंड पहेली सुनिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना खींचते हैं वो उतना ही छोटा हो जाता है? ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना खींचते हैं वो उतना ही छोटा होते चला जाता है? ठीक है, तो इसका भी बहुत ही, जो लोग ऐसा करते होंगे वो लोग को जल्दी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? तो अब तीसरा पहेली, ये तो आप लोग को पता ही होगा, हरी डिब्बी पीला मकान उसमें बैठा कल्लूड़ा। मतलब मैं ना आसान सा पूछी हूँ ताकि कोई तो जवाब दे पाएंगे आप लोग, तो बताइएगा ज़रूर। हरी डिब्बी पीला मकान उसमें बैठा कल्लूड़ा, ठीक है? और चौथा, बेशक ना हो हाथ में हाथ, जीता है मगर वो आपके साथ। ठीक है, हमारे साथ ही चलता है, उठता है, बैठता है, हम लोग जो जो करते हैं वो भी करता है और वो हमारे साथ हमेशा रहता है, ठीक है? तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड, एक लास्ट मेरा पहेली, ये बहुत ही आसान है, ये बहुत लोग पता है। लास्ट के लास्ट में मैं बहुत हल्की पहेली पूछ रही हूँ, दो तीन, तो आप लोग ऐसे ही बन रही है। तो सुनिए, कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, ये तो आप लोग को पता ही होगा, जवाब दीजिएगा, ठीक है? और अब एक और, ऊँट की बैठक हिरण की चाल, वो कौन सा जानवर है जिसे दुमना वाल? ठीक है, इसका भी जवाब दीजिएगा। और मैं 6 पहेली पूछी हूँ, इसमें से कम 3 पहेली का जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड, मैं इस वीडियो में पहले क्यों पूछ रही हूँ मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी जैसे कि मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ सही से वीडियो, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी ध्यान देना है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती हूँ, ना ही दिखा पाती हूँ। वो सब दिखाने के लिए पूरा दिन हाथ में मोबाइल रखना पड़ता है ना, आप लोग जानते ही हैं। तो इसलिए मैं पूरा दिन हाथ में मोबाइल नहीं रखना चाहती हूँ, ताकि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ भी लूँ। अभी बेटी सो रही है ना, तो जाती हूँ, अब थोड़ा पढ़ाई कर लूँगी, तो फिर वो उठेगी तो हुड़दंग मचा के रख देती है। तो ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और मेरी 6 पहेलियों में से 3 पहेली का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? टाटा, बाय बाय।